अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। आज से हर पीर से बुध शाम 8:05 पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और नजर डालेंगे मुल्क में होने वाली सियासत पर, क्योंकि ये सियासत आपको भी मुतासर करती है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासत का दौर दौरा है। कभी सियासत को इस्लामी टच दिया जाता है तो कभी सियासत को मशरकी रूप दिया जाता है और कभी सियासत को मजहबी रंग में रंग दिया जाता है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सियासत को हर उस हथियार में बदल दिया जाता है कि जिससे इक्तदार की मसनत पर बराजमान हुआ जा सके। सियासतदानों ने कुर्सी की जंग में इदारों को भी सियासी बना दिया है, कवानीन को सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और आइन को भी सियासी मकासद के लिए तरामीम की भेंट चढ़ा दिया है। हमारे मुल्क में सियासत अब एक बेपैंदा लोटे के जैसे होकर रह गई है कि जिधर चाहे लुढ़का दिया जाए। हाँ, लोटे से मुझे याद आया कि अब तो सियासत ही लोटों की है। हर एक पार्टी में सियासी लोटे मौजूद हैं जो पैसों या मुफादात की खातिर अपना ज़मीर बेचकर ये कहते नज़र आते हैं कि उनका ज़मीर जाग गया है। बयानिए की सियासत दम तोड़ती जा रही है, नज़रिए की सियासत कूच कर चुकी है और इक्तदार की सियासत ख्वाहिशात की भी चढ़ चुकी है। लिहाजा मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अब मुल्क में लोटा सियासत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 बरस गुजर चुके हैं और हमारी जमहूरियत कई तल्ख तजुर्बात की भट्टी से गुजर चुकी है, मगर आज तक सियासतदान जाती और इंफरादी मुफाद से हटकर कौमी और इज्तमाई मुफादात की सियासत में कदम रखने से गुरेज करते दिखाई देते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का सारा दारोमदार अपने करप्शन केसेस माफ कराने, अपने मुफादात के लिए आइन में तरामीम करने, प्रोटोकॉल इंजॉय करने और बाहर ममालिक में जायदादें बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। मुल्क में जारी गुज़श्ता 7 महीने की सियासत पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो तहरीक इंसाफ के इक्तदार को अदम एतमाद की तहरीक से ख़त्म किए जाने के बाद इमरान खान साहब सड़कों पर हैं। उनका पहले दिन से एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। गुज़श्ता 7 माह में ना तो हुकूमत तहरीक इंसाफ का मुतालबा मानने के लिए कुछ लचक दिखाने को तैयार है और ना ही इमरान खान साहब अपने मुतालबात से पीछे हटते दिखाई देते हैं। सियासतदान अपने मुतालबात मनवाने और मुफादात का दिफा करने की सियासत में मसरूफ हैं, जबकि मुल्क में एक के बाद एक बहरान सर उठाता जा रहा है। हम मुआशी बहरान से निकलते हैं तो आइनी बहरान में गिर जाते हैं, आइनी बहरान से निपटते हैं तो सियासी बहरान में फंस जाते हैं, सियासी मामलात संभालते हैं तो इंतजामी बहरान में हम जकड़ लिए जाते हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी को मुल्क में महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, डूबती मईशत की कोई परवाह नहीं है, मुल्की इस्तेहकाम की परेशानी नहीं है। हुकूमत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के पुराने खाते खोलने में दिलचस्पी दिखाई देती नजर आती है। तोशाखाना से कितने तहाइफ वसूल किए, फॉरेन फंडिंग में कहां से कितने पैसे तहरीक इंसाफ ने लिए और हर वो इशू सामने लाना चाहती है जिससे तहरीक इंसाफ को डंट पड़े और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो सके। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब हुकूमत और उसके सहूलतकारों को हर मुमकिन टफ टाइम देते दिखाई देते हैं और कबल इस वक्त इंतखाबात की तारीख के लिए किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला हो या फिर अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा, कोई भी मौका अपने हाथ से जाने देने को तैयार नजर नहीं आते। मुल्की सियासत में डेडलॉक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और पिछले 3 हफ्तों से अहम तरीन तैनाती पर सारी बहस मरकूज हो चुकी है। उस तैनाती पर आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर मुल्क में एक हैजानी कैफियत बरपा है। मामूल की तैनाती को सियासी जमातों ने मिलकर गैर मामूली बना दिया है और यही वजह है कि चाय खानों से लेकर महफिलों तक और निजी महफिलों से लेकर थिंक टैंक्स की बैठकों तक एक ही सवाल है कि कौन होगा अगला सिपाही सलार। लॉन्ग मार्च और कप्तान ने अब रखते सफर भी बांध लिया है। आर्मी चीफ की तकर्री से ठीक 2 दिन पहले 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च ने पिंडी पहुँचना है। वैसे में सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने आर या पार की सियासत करने का फैसला कर लिया है? आज के इस प्रोग्राम हम मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे और इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को अपना कीमती वक्त दिया। आपने वैसे तो सोशल मीडिया जब भी खोले, यूट्यूब खोले, तो उस पर आपकी टैगलाइंस के साथ, तस्वीर के साथ बहुत ज्यादा मवाद मौजूद होता है, लेकिन बड़ी देर से आप कन्वेंशनल मीडिया से गायब नजर आते हैं सर। पहली तो बात यह है कि आपने जिसका कहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक चीज मैं वजाहत कर दूं, मेरा कोई मैंने आज तक कोई ट्वीट नहीं की, मेरा
अकाउंट है द रियल एतजाज, वो इसलिए बना लिया कि लोग जाली अकाउंट बनाते थे, और मैंने कोई ट्वीट नहीं की, कोई फेसबुक मैसेज नहीं भेजा, ये सब जाली हैं जितने भी हैं मेरे नाम से। और इनको भी एहसास होना चाहिए कि ये अपनी पार्टी के हक में मेरा बयान दिलाते हैं और दूसरे दिन मैं कहता रहता हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरा ट्वीट नहीं, तो इनकी अपनी उसमें सुबकी होती है मुफ्त में। ठीक है, आपने बातों बातों में एतजाज साहब ये तो बता दिया कि आप कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे, क्लेरिफिकेशन के दौरान। दूसरी चीज, मैं कहीं भी ज्वाइन नहीं कर रहा किसी को, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। दूसरी चीज मैं अर्ज कर दूं कि ये जो मैं गुरेज जो कर रहा हूँ जरा मीडिया से, मीडिया आपका बहुत पोलराइज हो गया है। आप आधी बात करते, मैं म्याना रवि की बात करने का आती हूँ, आधी बात अगर अलिफ को पसंद आती है तो वो चैनल चलाते ही उतनी आधी है, और बाद में ये सिर्फ उस वक्त प्रोग्राम में तो चल जाती है, पर जब ये उसमें से निकाल के और 8-10 मिनट का एक बॉक्स बनाते हैं फॉर यूट्यूब, तो उसमें एतजाज ऐसा ने तहलका आमेज बात कर दी, तहलका मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो एक भी कह रहा है तहलका, दूसरा भी कह रहा है तहलका, और दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं जब मैंने दरमियान में बात की है। तो मैं तो इससे तंग आके चैनल से अब गुरेज ही करता हूँ। चले सर, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मैं आपको यकीन दहानी कराती हूँ कि हैशटैग पर जो भी आप गुफ्तगू करेंगे, हैशटैग सियासत पर, ये मिनोन वैसे ही अपलोड की जाएगी, बल्कि इसका क्लिप हम आपको भेज भी देंगे, क्योंकि वाकई हमारे लिए भी मसला हो गया ना, हमें पता नहीं है कि वो रीड इन बिटवीन द लाइन्स में हमने करना क्या है, कहाँ जाना है, किसके तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना है, बीच में रहना है, तो फिर भी आपको पता कि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ। पहला सवाल मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपने बड़े जमहूरी और गैर जमहूरी दौर देखे हैं, तमाम अदवार आपके सामने हैं, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो हर दौर में होती है, ज़ाहिर उस पर मुशावरत भी होती है, उसका एक आईनी तरीक़ाकार भी है, लेकिन आपने कभी भी किसी दौर में, किसी जमहूरी दौर में, इफ़ आई कोट, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा रिएक्शन देखा है इस तकरूरी पर? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। आपने 90 की लड़ाई में भी नहीं देखा? हुआ है, एक दफा हुआ है, पर वो सदर और वजीर आजम के दरमियान ही रहा। सदर और वजीर आजम, वजीर आजम नवाज शरीफ थे और सदर इसहाक खान थे। सदर इसहाक खान लगाना चाहते थे जनरल वहीद काकड़ को, और नवाज शरीफ के प्रेफर्ड जो थे वो जनरल फरख। ये 1993 की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जब डेथ हुई है, कबल अज मियाद उनकी पूरी नहीं थी हुई, और आसिफ नवाज जो थे जनरल जंजुआ, वो ही डाइड ऑन दी इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 1993। तो फिर वो तकरारी में कोई उनके बाद कोई 10-12 दिन लगे, क्योंकि सडन डेथ थी उनकी, एकदम उनको हार्ट अटैक हुआ था, कोई तवक्को नहीं थी। फिर ये फाइलों पे ये दो जर्नलों के दरमियान प्रेफरेंस जो थी एक की या दूसरे की, वो कुछ देर मामला चलता रहा, और फिर फाइनली जनरल वहीद काकड़ अपॉइंट हो गए प्रेसिडेंट प्रिवेल। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है जो आज के दौर है, ये 90s की सियासत में भी नहीं हुआ। आज के दौर का जो एक्सेप्शनल केस वो ये है कि ये सिर्फ फाइलों पे नहीं हो रहा, वो जो था 1993 वाला वो फाइलों पे था, दो फाइलों पे इधर से जाती थी फाइल प्राइम मिनिस्टर से, एक नाम की सदर की दूसरे नाम पे, और GHQ ने नाम भेज दिए हुए थे। ये जो हमारा आज का है, ये तो घर घर पहुंची हुई है बात, जिसको पहुंचनी नहीं चाहिए थी। ये गवर्नमेंट ने खुद मतलब है इसमें जो नून लीग के वज़रा जिस तरह बयान देते हैं, वजीर दिफा वो बयान देते हैं, वो सारी गवर्नमेंट को भी उसमें फंसा देते हैं, और वो कहते हैं बस एक दिन में आ रहा है, दो दिन में आ रहा है, बस कल आ जाएगा, नाम आ जाएगा। भाई आपको इतनी बातें करने की ज़रूरत क्या है, मीडिया में इस इशू को ले जाने की क्या ज़रूरत है? और सारे जो
नून लीग है वो एक तरफ लगी हुई है, पीपल्स पार्टी ने अपना प्रॉपर स्टैंड लिया, भाई हमारा तो हमें तो जो भी आ जाए, यही चेयरमैन बिलावल ने कहा है, यही सदर जरदारी ने कहा है, और फंसाए हुए फेवरेट्स नहीं है पीपल्स पार्टी के। नहीं, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। नून लीग में लगता है कि नवाज मियां नवाज शरीफ का एक कोई फेवरेट है, और जो फेवरेट है शायद उनके बारे में दीगर लोग राजी नहीं हैं, उनकी पार्टी के भी या पार्टी के बाहर जो जो मशवरा जिनसे जिस महकमे से होता है वो फौजी कमांड है हायर लेवल दी आर्मी, उनके लगता है कि आपस में कोई इख्तलाफात हैं, वरना ये मामला तो बड़ा क्वाइटली हो जाता है। नहीं, आपको क्या लग रहा है वैतजा साहब, ये गैर मामूली कर दिया है इस तकरूरी को कि खालिस्तान नून लीग की वजह से गैर मामूली हुआ, क्योंकि वो एक उजर पेश करते हैं कि हमने ज़रा इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ स्टेटमेंट्स या इमरान खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स ने इसे गैर मामूली करार दे दिया, ये बना दिया? इमरान की ने तो बीच में उतना तो फ़ायदा उठाना है कि जितनी कन्फ्यूजन होगी और जितना इधर अफरा तफरी होगी उधर वो उसको इतना इत्मीनान होगा, और एजेंडा ही लगता है वो डिक्टेट कर रहा है, मैं इस वक्त आ रहा हूँ, मैं कल इधर जा रहा हूँ, मैं बैठ गया हूँ अब 7 मील सफ़र करके और बैठ गया हूँ, और लॉन्ग मार्च तो कोई फरलॉन्ग मार्च हो गई है, और एक फरलॉन्ग चल के और फिर बैठ जाते हैं, और लेकिन फिलहाल वो पिंडी जा रहे हैं और 26 तारीख दी हुई है। मैं पूछना ये चाह रही थी कि आपने चूंकि ये जिक्र कर ही लिया है कि वो कभी लॉन्ग मार्च का कहते कभी क्या कहते हैं, तो आपको लग रहा है कि बड़े प्लान के साथ हो रहा है 26 तारीख, बड़े प्री प्लान तरीके से दी गई है, क्या 26 तारीख ही क्यों? ये 26 तारीख के करीब यही हो सकता है कि वो जो बैटन चेंज की सेरेमनी होनी है, पर वो तो होगी 29 तारीख को, कि जिस दिन बाजवा साहब अपने सक्सेसर के को बैटन देंगे और एक सेरेमनी होगी। जीएचक्यू में ये 2-3 मर्तबा पिछली दफ़ा गालबन मुशरफ ने किया, और उससे पहले एक दफ़ा मुशरफ ने कियानी ने उससे पहले एक दफ़ा हुई है मुशरफ के वक्त। ये एक नई अदा बीच में आई है इस तकरीब में, पर ये चीज़ जो है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अमूमन बहुत छोटे दायरे में बात रहती थी। मुशरफ को जब मिसाल के तौर पे लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने लगाया नवाज शरीफ ने, और वो मैं पार्लियामेंट में मेंबर था, मैं कोई ना बहस में ना कुछ कोई किसी को इतना नहीं हुई। इन्होंने खामोशी से बड़े मियां मोहम्मद शरीफ जो इनके वालिद थे उन्होंने कोर कमांडर मंगला मुशरफ को बुलाया जाती उम्रा में, और वहाँ दोनों भाइयों को बिठा के ये अखबारों में और किताबों में लिखी गई है। शुजा नवाज जो भाई हैं जो छोटे मरहूम आसिफ नवाज के, उन्होंने अपनी किताब में बड़ी तफसील से लिखा है कि उन्होंने बुला के अब्बा जी ने और उसको कहा मुशरफ को कि ये तुम्हारे दोनों छोटे भाई हैं, और अगर इनसे कोई आपको शिकवा हुआ तो मुझे बताना, मैं इनको ठीक करूँगा। और उसको उन्होंने अपॉइंट कर नोटिफाई कर दिया। तो ये खामोशी से भी होता था, होता खामोशी से ही था, चाहे साजिशी अंदाज में हो जिस तरह मुशरफ का हुआ कि सुपर सीड किया उन्होंने दो जनरल्स को और 2-3 जनरल्स को, जिसमें जनरल मेरा ख्याल फर्क इसमें थे, और वो
वो प्रेफरेंस थे प्रेसिडेंट की, पर प्राइम मिनिस्टर ने मुशर्रफ को लगा दिया। बाद में मुशर्रफ ने मियां साहब को उन्होंने ही गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ये हमने वैसे जियाउल हक साहब के टाइम पर भी देखा, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी कुछ चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया था, कुछ को रखा गया था। एतजाज साहब, अपॉइंटमेंट हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, 26 तारीख है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये मामला तो यहीं पर रुके रहेंगे या ये जो लॉन्ग मार्च की कहानी है ये मजीद आगे जाएगी अपॉइंटमेंट के बाद भी? ये लॉन्ग मार्च जो है, जो मेरा ख्याल है फरलॉन्ग मार्च बन गई, पर इसका इसकी इसको जाहिर है लॉन्ग मार्च जो ट्रेडिशनल होती थी, हम लॉन्ग मार्चेस दो मैंने लीड किए हैं, लाहौर से इस्लामाबाद तक बुनियादी तौर पे होती है, बाकी शहरों के काफ़िले लाहौर आते हैं जनूबी पाकिस्तान से, और लाहौर से फिर बन के काफ़िला चलता है इस्लामाबाद, पिशावर के और केपीके के और गिलगित बल्तिस्तान के, वो अपनी तरफ से आते हैं, कश्मीर वाले भी, एक प्रोटोकॉल होता है। लाहौर से मेन कॉलम लाहौर से जाती है, और मैंने लीड किया मार्च जून 2008 में भी और फिर मार्च 2009 से भी। मार्च 2009 वाली जो लॉन्ग मार्च थी वो हम गुजरांवाले नहीं पहुंचे थे कि मुझे जनरल कियानी का फ़ोन आया कि वो आर्मी चीफ थे कि ये आपका काम बन रहा है और प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे इसको और चीफ जस्टिस और बाकी सब जजेस को बहाल कर दिया जाएगा। पर ये इस किस्म की लॉन्ग मार्च हमने नहीं देखी, ये बड़ी टाइमिंग किसी वजह से हो रही है। अब 26 मई के साथ अगर टाइमिंग की जा रही है, ये तो 26 मई की अगर हमारे किस्म की लॉन्ग मार्च हो तो हम तो आगे पिशावर से आगे गुजर गए हों इतने दिनों में। अब ये जो खान कर रहा है ये इसमें कोई मसलियत तो ज़रूर है उसके जहन में। मसलियत ये हो सकती है, एक चीज़ उसने किया है कि अपने लोगों को थकाया नहीं है, वो असल में वो हर 10 मील के बाद एक जलसा कर रहे हैं, हर 10 मील के बाद एक जलसा कर रहे हैं, वो जलसा बड़ा हो रहा है, उसके बाद बंदे गायब हो जाते हैं, अपने घरों से चले जाते हैं। मार्च इतनी बड़ी नहीं होती पर अगला जलसा फिर बड़ा हो जाता है, फिर मार्च छोटी होती है फिर जलसा अगला बड़ा हो जाता है। इस तरह ना वर्कर आपके ज़्यादा थकते हैं और ना उनके खाने पीने की कोई ज़्यादा और ठहराने की ज़रूरत पड़ती है, और 26 की उसने दे दी है कॉल। ठीक है एतजाज साहब, तब देखना ये है कि 26 को ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा अभी या ये यूं ही गामजन रहेगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और #सियासत के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, #सियासत में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब से उनकी राय जान रहे थे और अब कुछ बात कर लेते हैं नवंबर के महीने के हवाले से। नवंबर का महीना है, वैसे तो सितंबर का महीना सितंबर होता है लेकिन नवंबर का महीना भी कुछ सितंबर नहीं है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है उसके हवाले से हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। आप देख सकते हैं कि सदर फारूक लगारी साहब जो हैं वो 14 नवंबर 1993 को सदर बने थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात की जाए तो उनकी हुकूमत 5 नवंबर 1996 को ख़त्म हुई थी। इसी तरह शौकत अजीज साहब का जिक्र किया जाए तो उनकी जो हुकूमत थी उसका खात्मा जो है वो 15 नवंबर 2007 को हुआ था, और साथ ही साथ मीर जफरुल्ला जमाली, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के दौर के बारे में, अब जो है वो मीर जफरुल्ला खान जमाली साहब जो हैं उनके बारे में कि वो 23 नवंबर 2002 को वजीर आजम पाकिस्तान बने थे। तो यानी जो नवंबर है ना वो भी उतना ही गर्म है सियासी लिहाज से जितना कि हम सितंबर को समझते हैं, और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन इस महीने में क्या वही कुछ होने जा रहा है जो हमने 90 की दिहाई में देखा या कुछ मुख्तलिफ, कुछ मुनफरिद,
कुछ डिफरेंट हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमने अपने मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इस वक्त प्रोग्राम में शामिल है कवल शोजब साहिबा, और उसके साथ साथ नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, और जबकि सीनियर एनालिस्ट अमर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमारे पास सियासी मंजरनामे से कुछ हकायक जो हमने शेयर किए हैं नवंबर के महीने के हवाले से वो मौजूद हैं, आपने भी तारीख पढ़ रखी है। आपको लग रहा है कि ये नवंबर 2022 उन तमाम तारीख के पहलुओं से कुछ मुनफरिद, कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, या ये भी उसी डगर पे है? कि हर साल और हर महीना जो होता है उसमें अपनी इंफरादियत होती है, तो उस महीने में भी अपनी इंफरादियत है। देखिए, अभी हमारा जो बहुत बड़ा क्राइसिस है कि हमारी सियासत जो है बंद गली में फंसी हुई है, तो अगर इस महीने को मजबूत नोट पर खत्म होना है तो उसमें उस पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई रेजोल्यूशन आ जाए। ये मेरे ख्याल में मेरी नहीं, तमाम जो बाशऊर पाकिस्तानी है, सोचने समझने वाले पाकिस्तानी है, उनकी एक ख्वाहिश और दुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सियासी इंतशार का सफर आप देखते हैं कि 2022 के अवाइल से शुरू हुआ है, अदम इस्तेकाम का और एक कश्मकश का, वो जारी और सारी है। उसकी वजह से आप ये देखिए कि हमारा जो है ना मईशत पनप सकती है, ना मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना लोग जो हैं वो सुकून से बैठ सकते हैं। तो इस इंतशार का खात्मा जो है अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अब जाहिर है कि इस महीने में एक जो सबसे अहम चीज हो रही है वो है आर्मी चीफ की तकर्री। अब उसका जाहिर है कि वो नविश्ते दीवार है, होना है, और मैं ये समझता हूँ कि उस पर जितनी बहस हो रही है बिला वजह की और जितना ज्यादा प्यास आराई हो रही है वो समझ से बालतर है। क्योंकि कोई भी टॉप फाइव में से जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी चीफ बनेंगे, अगर किसी के कहीं जहन में कहीं ये ख्याल है कि जी मेरा वो एहसानमंद होगा और मेरी वजह से बन रहे, तो ऐसा नहीं है। जो भी आर्मी चीफ होगा वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी का होगा, और उसके मफादात की जो है तर्जमानी कर रहे होंगे, उसकी निगरानी कर रहे होंगे। तो हमारे जिस तरह मुझे जैसे मामूली सहाफी को इस बात के साथ है, जो हमारे इदारे हैं उनमें भी इस बात का बहुत ज्यादा इदराक है कि मामले को हल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे नए आर्मी चीफ के पास वो ये होगा कि वो कैसा एक मजबूत किरदार उनका इदारा और वो खुद अदा कर सकें, कि हमारे जो सियासतदान जो खुद नाकाम साबित हो रहे हैं अपने मसाइल को हल करने में, तो कोई बीच की राह पे लाकर, मिडिल ग्राउंड लाकर चीजों को हल की तरफ ले जाएं। अगर वो कर देते हैं, वो आते ही पहले स्पेल में, पहले चंद ओवर में कारनामा अंजाम दे देते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आमिर साहब, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमाई कर रही है कवल शोजब साहिबा इस वक्त, आप लोग सितंबर से निकले, अक्टूबर के बाद फिर हम नवंबर में आ गए, नवंबर की 26 तारीख भी दे दी, अब कोई स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल सिनेरियो में, या आपकी तरफ से अभी भी आप बजद हैं कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरवा, और आपको बहुत मुबारकबाद, आज आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। शुक्रिया, और आपको मैं गुड लक करती हूँ, अच्छी खवातीन और जोरदार खवातीन का मीडिया में भी आना और बाकी सियासत में हर जो जिंदगी का शोबा है उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो गुड लक। जहां तक आपने कहा थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी माने में जब जमहूरियत होती है तभी आ सकती है, और उस वक्त आ सकती है जब अवाम की तर्जुमान हुकूमत मौजूद हो। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये हुकूमत लाई गई थी 9 मार्च को, हमारी चलती हुकूमत, और तरक्की करते मुल्क को दूसरी तरफ मोड़ के हुकूमत गिरा के, अवाम की जो इलेक्टेड हुकूमत थी गिरा के एक सिलेक्टेड हुकूमत सर पे मुसल्लत की गई। और आप जितने भी अभी आ रहे हैं माशी इशारे, मैं कुछ क्विकली बता भी दूंगी, उनको आप देख लें, या आप इलेक्शंस जितने पिछले हुए हैं, 3 इलेक्शंस हुए हैं, 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन हुआ, और अक्टूबर के आखिर में ही दोबारा इलेक्शन हुए, उससे पहले कराची के हल्कों में इलेक्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवाम की मकबूल तरीन जमात है, और अवाम इसी जमात को ही देखना चाहते हैं जो ऐवान में जाए और पाकिस्तान को लीड करे। तो इस वक्त फ्रेश इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी आप कह रही हैं कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है कवल साहिबा, लेकिन इतना देखिए मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ कि 2022 मार्च में पाकिस्तान, ठीक है आपने ये फैक्ट दे दिया, लेकिन इससे ऑपोजिट राय भी मौजूद है। बैरिस्टर दानियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप भी इनकी राय से मुझे लगता है मुत्तफिक तो ज़ाहिर नहीं होंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिकली जो है वो स्टेबल हो कंट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी इसमें तो बड़ी कोई दूसरी राय नहीं है कि हम क्यों नहीं कोशिश कर रहे।
हमारी तो हमें जब हमें आज से 8 साल पहले जब हमारी हुकूमत थी तो आज से इसी दिन पे भी एक धरना था, और वो धरना किसके खिलाफ था? वो पाकिस्तान में जो चाइना से मईशत आ रही थी जो 60-60 बिलियन डॉलर्स आ रहे थे उसके खिलाफ था, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ था और इस मुल्क के लोगों के, इस मुल्क के खिलाफ था। और आज भी ये जो रोज सो कॉल्ड धरना और लॉन्ग मार्च चल रही है, जो आप अभी अपने कंटेनर इनका कंटेनर दिखाएं तो 50 बंदा भी नहीं होगा साथ, खाली पार्क हुआ हुआ जीटी रोड के ऊपर अंदर गुजर खान में अंदर करके, तो ये लॉन्ग मार्च मुझे तो समझ नहीं आ रही है किसके खिलाफ है। पहली बात ये आवाम के खिलाफ है कि महंगाई और बढ़े, ये पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज करने के लिए खिलाफ है, ये खिलाफ है कि पाकिस्तान के लोगों के जो मैशत में सुकून चाहते हैं लेकिन उसमें और बद से बदतर किया जाए। मतलब व्हाट इज द व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, आज तक इनका समझ नहीं आया। इमरान खान साहब खुद खुद बात करते हैं करप्शन की, तो करप्शन के भोंडे रोज रोज फट रहे हैं, वो तोशाखाना हो, वो उनके अस्पताल की फंडिंग हो, वो उनके कसूरी साहिबा जो कह रही हैं जितना अपने और फंडिंग हो, इनमें रोज इनके करप्शन के कारनामे उभर उभर के आ रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन से डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, कभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी क्या आ रही हैं। अभी तो मेरे ख्याल से कोई मेजर खुले ही नहीं है केसेस को, देखा ही नहीं गया उसको, हम तो मईशत की तरफ लगे और इस तरह की फट फट के आ रही हैं। तो ये किसके खिलाफ है ये लॉन्ग मार्च? अगर तो अवाम के लिए है तो मुझे बताएं ये कि 4 साल में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी? ठीक है, ठीक है दादा साहब, अगर 4 सालों में नहीं बही तो अभी 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 ये रवा हो सकती है नहीं हो सकती है? आप लोग मिलकर बैठ के काम कर सकते नहीं कर सकते? मुझे ब्रेक ब्रेक लेना है, ब्रेक से फिर आएंगे और अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौधरी दानियाल, उनसे उनकी तरफ ही बढ़ेंगे। दानियाल साहब, आपने कहा कि दूध और शहद की नहरें 4 साल में नहीं बहाई गई हैं, मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है और वो ये है कि क्या अब आप लोग बातचीत करके, हमें दूध और शहद की नहरें तो बिल्कुल नहीं चाहिए आवाम को, लेकिन कुछ बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, किसी टेबल टॉक की तरफ जा सकते हैं? देखिए जी, मैं अपना जवाब अगर पूरा करूं तो इन्होंने क्या किया पिछले 4 साल में, इन्होंने हर उस इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल किया जिसने अपनी आवाज़ उठाई, वो अदलिया थी, वो ब्यूरोक्रेसी थी, वो आपकी पाक अफवाज थी, जो आज इन्होंने, तो आज सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी इस मुल्क में इन्होंने बनाई हुई है वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की बनाई हुई है। क्या हम माजी के अपने फैसलों से देख नहीं चुके कि आर्मी चीफ का जो हेड होता है वो अपने इदारे के अलावा किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, अपने इदारे की रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन आज जिस तरह मलाइन कैंपेन की गई, जिस तरह प्रॉपर एक तरीके से अपने अदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल किया गया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा गया। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि आपने उनको पता नहीं क्या क्या नहीं कह दिया, आपने उनकी तशबी किस किस चीज से नहीं दे दी और फिर भी इदारों ने आपको, यू स्टिल आउट इन योर रोमिंग एंड योर थ्रेटनिंग इंस्टीट्यूशन। आई थिंक ये बंद होना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। हम अपने अदारों को, अपने मुल्क को और वीकन मत करें। हमने अपने खारजी ताल्लुकात, वो चाइना के साथ हों, वो सऊदी के साथ हों, वो और ममालिक के साथ हों, वो हमने तबाह कर दिए। अब आप बताएं कि हम जो, इन्होंने पहले साइफर का नारा लगाया, साइफर साइफर साइफर, जब एक्सपोज हुए तो साइफर से भी पीछे विड्रॉ कर गए, फिर आर्मी चीफ के खिलाफ नारा लगाया उससे भी बैक ऑफ कर गए। देखिए अब हम वो जमात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को और ब्लूम्सबर्ग के अकॉर्डिंग हाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द रीजन किया, मोस्ट स्टेबल रुपी ऑफ द रीजन किया, हमने पाकिस्तान की मैशत को बेहतर किया, 21,000 मेगावाट बिजली कारखानों में डाली, बिजली के मासूर से नासूर से निकाला, दहशतगर्दी के नासूर को बाहर फेंका अपने। लेकिन ये हर सियासतदान का फरीजा दान है। हम वो जमात हैं, एक सेकंड सर, हम तो कहते ही नहीं है कि हमने 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 कोई बड़े काम किए हैं, हम कुछ भी नहीं कहते। मैं खाली ये कहता हूं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदवार के प्रोजेक्ट्स को निकाल दें और इनके पिछले 4 साल में आप इनसे खाली पूछ लें, ठीक है, इसमें भी हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं दाना साहब, बनाया हो कौन से प्रोजेक्ट आवाम को चाहिए थे, कौन से करने की जरूरत नहीं है, कौन से नहीं थे, लेकिन लेकिन मुझे राय लेनी है ना, मुझे राय लेनी, कमल साहिबा की तरफ जाना बड़ा जरूरी है। इफ यू लेट मी, नहीं नहीं पहले मेरी बात तो पूरी कर रहे थे, मुझे दूसरा इन्होंने नारा लगाया अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी के नारे लगाने के वाले हमें ये बता सकते हैं कि 8 साल में एहतसाब कमीशन का क्या हाल किया इन्होंने केपीके में? चले, मैं उनसे ही पूछ रही थी कि उन्होंने 8 साल में क्या किया। कमल साहब आप मुझे जवाब दे दें, झूठी बात, आप एक अपॉइंटमेंट होती है, आप लोगों ने 26 तारीख दे रखी है, आप उस अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, 26 तारीख के बाद क्या करेंगे? कोई लाहे अमल है आवाम को? आपने बुला तो लिया पिंडी में होने क्या जा रहा है? अच्छा फरवा प्लीज मुझे ना आप अपना आर्ग्यूमेंट जरा कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, इतने सवाल उठाए हैं दानियाल साहब ने, मैं जवाब दे दूं।
मेरे ख्याल में इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ये पिछले साल अगर और उससे पिछले साल पीडीएम की जो लीड कर रही थी मूवमेंट, इनकी जो आका साहिबा मैडम मरियम जो भागी हुई है इस वक्त पाकिस्तान से और लंदन बैठ के साजिशें कर रही है, उनकी स्पीचेस उठा के गुजरावाला की सुने और नवाज शरीफ की स्पीचेस गुजरावाला की सुने, जिसमें अभी के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके और DGISI का नाम लेके किस किस किस्म की कैंपेन भी की गई और इल्जाम लगाए गए। तो ये मेरे भाई को शायद भूल गया है कि पाकिस्तान में अदलिया पे अगर अटैक हुआ तो नून लीग ने तो सुप्रीम कोर्ट पर डंडे लेके और सोटे लेके चढ़ाई की थी, और अभी जब 17 जुलाई के इलेक्शंस हुए और इन्होंने एक डमी वजीर आला को बैठाने की कोशिश की और अदालत ने उसको उठा के परे मारा, तो फिर मरियम ने दोबारा इसी प्रेजेंट अदालतों की प्रेजेंट चीफ जस्टिस की फिर किरदार पेशी भी की। पूरी कैंपेन नून लीग ने ट्विटर पे और सोशल मीडिया के दूसरे फोरम्स पे चलाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। जहां तक ये एहतसाब की बात करें, नैप के खिलाफ वो जो पत्थर लेकर कैंपेन चलाई थी और जाके पथराव किया था, वो मरियम भी लीड कर रही थी और नून लीग के साथ थे शामिल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये आके रेड जोन में फजलुर रहमान और मरियम साहिबा के समेत बाकी पीडीएम के तमाम जो लीडरान अभी बड़े बड़े बने फिरते, सबने आके यहाँ प्रोटेस्ट किया था, हमने इन्हें रोका नहीं था। तो जब तक इनकी मर्जी के मामलात ना हो रहे हो तो इदारे इनके लिए बहुत बुरे होते हैं, अरशद जज की बाकियों की और अदा और जो ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी क्या है, ये तो आपने इल्जाम का जवाब दे दिया ना, स्ट्रेटजी क्या है? एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दे आर्गुमेंट प्लीज। जहां तक इकोनॉमी में धूल छेद की बातें कर रही है, तो इस वक्त आप उठा के देख लें, ये महंगाई खत्म करने आई थी इन्होंने, चलती हुकूमत इसलिए गिराई कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान की 50 साल की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान पे मुसल्लत इस इम्पोर्टेड सरकार ने की। इस वक्त आपकी पाकिस्तान में जो मशीनरी की इम्पोर्ट है वो 9 सालों की लोएस्ट आ रही है। हमारे सिर्फ मार्च में जो था 872 मिलियन की इम्पोर्ट हो रही थी, क्योंकि टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्री चल रही थी, क्योंकि अब बंद हो गई है। तो अब 457 मिलियन डॉलर पे आ गई है, 9 साल का लोएस्ट है ये। और इस वक्त जो GDP है, जैसे मैं पहले बता रही थी, 6% था मार्च में और इस वक्त -1% है। ये क्या मेरे भाई ठीक है, कमल साहिबा जवाब दे दे मुझे, सवाल का जवाब दे दे, ये तो आपने हकाइक बता दी ना अपनी तरफ से। आपको क्रेडिट डिफॉल्ट का जो आपका रिस्क है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में 5% था। कमल साहिबा जवाब, कमल साहिबा जवाब, मुझे स्ट्रेटजी जाननी है आपकी, ये सब हो गया, ये माजी के किस्से हैं, ये हम छेड़ सकते हैं बाद में भी। सुन लीजिए ना, तकरारी से खान साहब ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है मेरिट पे, आप तकरारी कर दें। मसला ये कि इनकी आपस में जो लड़ाई और लपा डुक्की चल रही है, हम तो उसका सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मुतालबा फ्रेश इलेक्शन है इस मुल्क पे। ये एक नाजायज हुकूमत बिठाई गई है जिसने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और वो जो हिसाब लाए थे। ठीक है कमल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। कमल साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन आमिर ज़िया साहब इस पर क्या राय रखते हैं वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आमिर ज़िया साहब की जानिब बढ़ूंगी। आमिर साहब, आपके सामने सारा सिनेरियो तो मौजूद है, 26 तारीख को खान साहब आ भी जाते हैं पिंडी और अपॉइंटमेंट भी हो जाती है, जो कि ज़ाहिर अगले हफ्ते जब हम यहां पर शो कर रहे होंगे तो अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, कोई तब्दीली है सीन में या ये ऐसे चलता रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि जो नए आर्मी चीफ आएंगे ना, उनके एजेंडे में सबसे जो ऊपर चीज होगी वो होगा इस सियासी बुहरान का खात्मा, और उसमें वो एक अपना फाल किरदार अदा करेंगे। गो के जाहिर है कि आईनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पाक फौजी पे जिम्मेदारी आती जब भी मुल्क बुहरान का शिकार होता है। तो मैं समझता हूँ उनको पता है कि मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क की मईशत के लिए सियासी इस्तेकाम कितना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में उनकी पहली नंबर 1 प्रायोरिटी होगी किसी तरह मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए और हमारी सियासत जो बंद गली में फंसी हुई उससे उसको निकाला जाए। अच्छा, उसका एक तरीका जाहिर है कि अब देखिए, मैं भी सुन रहा था दोनों पार्टी के कहते गजल और जवाबी गजल जो थी माशाल्लाह, लेकिन एक चीज से इदराक होना चाहिए हमारे सियासतदानों को कि लोग जो है सब बहुत ही दिल शिकस्ता हैं, बहुत परेशान हैं। आप कराची तक खैबर मिडिल क्लास के लोगों से बात करें, निचले मुतवस्सित तबके के अफराद से बात करें, वो माशी हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं वो इस बात से परेशान है कि जी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम में। तो लोग दुआएं कर रहे हैं कि खात्मा इस तमाम जो एक पूरी अनसर्टन सिनेरियो है,
तो हमारे सियासतदानों को अवाम की पल्स को समझना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि लोग आपकी जो तादीलें दे रहे हैं कि जी हमने यूं कर दिया और ये फला हो गया, वो लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अवाम का इस वक्त पल्स कहीं और जा रही है, उसका इदराक हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को बदकिस्मती से नहीं है। आप ये देखें कि 30% अगर महंगाई है तो लोगों की कमर टूट गई है, जो लोग ईमानदारी से पैसे कमा रहे होते हैं, जो तनख्वाहदार तबका है वो बिल्कुल फिस गया है। और इसी तरह आप देखें कि हर शोबे में मईशत का पहिया जो है, मैं कराची से बैठ के प्रोग्राम में शरीक हूँ आपके, तो आप बात करें बिजनेसमैन से, वो इतने ज्यादा मतलब वो चवन्नी लगाते हुए खौफजदा है इस मुल्क के अंदर। आप बैरून मुल्क की सरमायाकारी की बात करते हैं, यहाँ पे अंदरून मुल्क कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उसका एक ही तरीका है, और नून लीग के भी जो संजीदा लोग हैं इस बात को एडमिट करते हैं, जब तक अगली हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ नहीं आएगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब। वक्त के तहत मैं बाकी मेहमानों से भी जो है वो लास्ट लाइनर चाहती थी, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है इसलिए आप तीनों अशख़ास का बहुत बहुत शुक्रिया। हैशटैग सियासत में हम मजीद भी इस तरह के टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे, आपसे गुफ्तगू होती है। लेकिन नाज़रीन, नवंबर का महीना ठंड की जानिब बढ़ रहा होता है, लेकिन नवंबर के महीने में जैसे ही ठंड आती है तो लोगों के, गरीब लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह है गैस की किल्लत। लेकिन वाहिद सियासी चूल्हा ऐसा है कि जिसमें ठंड जितनी मर्जी पड़ जाए आग और तपिश वैसे ही कायम रहती है। फरवा वहीद को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।